नमस्कारम। आज हम जो बात करने वाले हैं वो नॉर्मल चेस की नहीं है, वो चेस 960 के या फिर जिसको फिशर रैंडम बोलते हैं उसकी है। मुझे लगता है कि इसका जो जो स्टार्ट हुआ था वो इसी पॉइंट पे हुआ था कि थियरी जो है उसमें नॉर्मल चेस में बहुत ज्यादा बन गई है और बहुत सारे लोगों को ओपनिंग लाइंस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रिपेयर करके रखना पड़ता है और उसी को ही वो लोग याद करके खेलते हैं। तो मुझे लगता है बॉबी फिशर ने ही पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया था कि ऐसा कुछ एक कंसेप्ट हम कर सकते हैं जिसमें पॉन्स जो है वो तो नॉर्मल रहेंगे बट आप नीचे देख सकते हैं कि जो जो पीसेस हैं उनका पोजीशन चेंज किया हुआ है। तो इसको कैसे खेलते हैं या इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, पर ये मुझे लगता है कि एक शॉर्टेस्ट गेम है ऑफ टू जीएम्स जो कि चेस 960 में खेला हुआ है और ये बहुत फनी भी है। तो मुझे लगा कि एक शॉर्ट हम लोग उसको देख सकते हैं बिकॉज पीटर स्विडलर और मटलाको के बीच में ये गेम हुआ था और दोनों ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर हैं और ये हाल ही में एक्चुअली 3+2 ब्लेड्स में खेला था 960 पे। तो एक फन गेम था तो हम लोग क्विकली उसको देखते हैं कि क्या हुआ था बिकॉज ये एकदम शॉर्टेस्ट इसमें है, राइट। तो उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि चेस 960 के बारे में और मैं डिटेल्स जो है वो लिंक में डाल दूंगा तो आप जाके देख भी सकते हो। हम लोग क्विकली देखते हैं। ये जो गेम हुआ था ये 3+2 था। स्वीट पीटर स्विडलर जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है और मैक्सिम मटलाको इन दोनों के बीच हुआ था और इसी वीक खेला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए F4 खेला फर्स्ट मूव। अब ये जो पोजीशन नंबर है ये 279 है, राइट। चेस 960 में अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो पोजीशन नंबर के हिसाब से ही पोजीशन जो है वो सेट होती है। थोड़े से रूल्स होते हैं जैसे कि आप किंग के लेफ्ट में देखिए कि एक पीस है यहाँ पे और मतलब रुक है और दूसरा दूसरे साइड में, और हमेशा इसमें ये भी रूल रहता है कि बिशप जो है वो हमेशा अलग अलग रहने चाहिए दोनों, एक लाइट कलर एक डार्क कलर। तो नॉर्मल स्टार्टिंग जो रूल्स हैं उनको अगर हम थोड़ा उस आगे चले जाएं उनसे, तो पोजीशन नंबर 279 में हुआ ये कि व्हाइट ने F4 खेला, यहाँ पे ब्लैक ने खेला G6। अब बहुत ही फनी सा ये लग रहा है पोजीशन बिकॉज स्टार्टिंग में कभी भी ऐसा मुश्किल ही आता है और उन्होंने एक नेचुरल मूव खेला जिसमें ये बिशप जो है वो डायगनल पे अटैक कर रहा है और क्योंकि ये गेम का बहुत पहला ही मूव था तो उन्होंने इतना सीरियसली लिया नहीं होगा, लेकिन सडनली हुआ ये कि पीटर स्विडलर ने ये मार दिया क्वीन इन टू A7 बिकॉज आप देखिए F4 के बाद क्वीन A7 मर रहा था। और आप देखिए यहाँ पे कि रुक जो है वो सेकेंड मूव पे ही ट्रैप हो गया। नॉर्मली नॉर्मल चेस में ऐसा कभी नहीं होता है, राइट, कि आप गेम के दूसरे तीसरे मुंह पे या कुछ हमने देखे हैं कि शॉर्टेस्ट मेट वगैरह जो होते हैं उसमें अलग बात है, लेकिन ये जो है मुझे बहुत थोड़ा फनी भी लगा और एक एक जो जो जब मैंने वीडियो देखा था तो मुझे लगा कि ऐसा मतलब वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि अरे सेकेंड मुंह पे ही यहाँ पे ऐसी पोजिशन आ गई है। तो हालांकि मटला को खुद से इतना नर्वस हो गए कि उन्होंने गेम कंटिन्यू नहीं किया और यहीं पर ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मुझे मुझे भी खुद को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन 960 में बहुत बार ऐसे फन पोजीशंस आते हैं और बहुत ऐसे पोजीशंस आते हैं जिनको आप मतलब न चाहते हुए भी आपके सामने वो आ जाता है और आपको बहुत सारा, क्योंकि आपने कभी उसका ओपनिंग थ्योरी या ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है या अवेलेबल नहीं है ज़्यादा तो उस पर ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया लोगों ने और एक लाइट मोड में खेलते हैं। डेफिनेटली मटला को अगर बहुत ही अच्छे से सोच के खेलते हैं या एक ये ब्लिट्स गेम नहीं होता, एक रैपिड भी होता तो डेफिनेटली वो चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पर एक दर्दनाक एंड हो गया मटलाको का गेम का इसमें। और भी बहुत सारे गेम्स हुए हैं। मुझे याद है कि ट्विटर पे मैंने जो एक बहुत ही 960 के बहुत चेस लवर है वो, देखा जाए तो इसको चेस नहीं बोलना चाहिए, ये कम्प्लीटली अलग फॉर्मेट है। लेकिन जो एंद्रे देवियत के ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है, मुझे याद है मैं 2 बार खेला भी उनसे, एक बार नागपुर में एक बार दिल्ली में, नॉर्मल चेस में 960 में नहीं। तो वो बहुत ही इसको कोशिश करते हैं कि लोगों को 960 के बारे में और जानकारी मिले। तो मैंने थोड़ा सा उनसे हम लोग मैसेज पे बात किया था कि और भी बहुत सारे पोजीशंस हुए हैं एक्चुअली इसमें जो बहुत ही फनी है। तो हम कोशिश करेंगे बीच बीच में कभी भी अगर मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में भी फिशर रैंडम में या चेस 960 में अगर कुछ भी अवेलेबल है तो हम उसको देखेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इसका एक बहुत अच्छा साइट है जो मैं लिंक में डाल दूंगा, उसमें आप एक्चुअली जो ओरिजिनल बॉय फिशर थे उनकी आवाज में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वो आप जरूर सुनिए तो आपको 960 के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है उसमें,
उस पूरे, और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पोजीशन नंबर, हर चीज दी हुई है उसमें, तो आप चेक कर सकते हो। और आप कोशिश करिए कि यहाँ पर भी जो जो ऐसा जो भी चेस है जो उसको भी हम देखें, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है, प्रिपरेशन इसमें बिल्कुल अवॉइड हो जाती है। और मुझे याद है मेरे एकेडमी पे हमने इसका एक टूर्नामेंट लिया था बहुत टाइम पहले, तो कुछ बच्चों को बहुत बहुत पसंद भी आया था, बिकॉज क्रिएटिविटी की अगर ओरिजिनलिटी की बात करें तो 960 में बहुत स्टार्टिंग पॉइंट से आप ला सकते हो। तो मिलेंगे और भी वीडियो के साथ, हम कोशिश करेंगे कि जो जो भी नया कुछ चेस में आता है अलग अलग फॉर्मेट्स में उसको भी हम डिस्कस करें। बाय, थैंक यू।